ऐसा माना जाता है कि श्री हनुमान जी जब प्रभु श्री लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर हिमालय पर्वत से वापस लंका जा रहे थे, तब हनुमान जी ने इस पर्वत पर कुछ देर के लिए आराम किया था। आज उस पर्वत की चोटी पर हनुमान जी का एक मंदिर है जिसे हनुमान टोक के नाम से जाना जाता है। गणेश टोक से लगभग 3.5 किलोमीटर और सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक से लगभग 11 किलोमीटर दूर नाथुला हाईवे से निकलती हुई एक छोटी सी अप्रोच रोड जो दोनों तरफ हरे भरे पेड़ों की खूबसूरत हरियाली से घिरी हुई है हनुमान टोक तक जाती है। गणेश टोक से हनुमान टोक तक का 10 मिनट का सफर बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही आप अपनी गाड़ी से यहाँ उतरेंगे और गाड़ी का इंजन जैसे ही बंद होगा, तुरंत आपको यहाँ पर एक अद्भुत सी शांति का एहसास होगा। यहाँ का वातावरण इतना स्वच्छ, मेरा मतलब एनवायरनमेंट इतना क्लीन है दोस्तों, कि एक लंबी सांस भरते ही आराम से आप इसको महसूस कर पाएंगे। यहाँ प्रदूषण का दूर दूर तक कोई नामोनिशान नहीं है। यहाँ का पार्किंग लॉट काफ़ी बड़ा है और वेल मेंटेन्ड है। आप अपनी गाड़ी आराम से यहाँ खड़ी कर सकते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात दोस्तों, वैसे तो देश में हर जगह मंदिरों की देखभाल पुजारी लोग करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जिसकी देखभाल सेना के जवान करते हैं। इंडियन आर्मी की 17th माउंटेन डिवीजन हनुमान टोक की देखरेख करती है। मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू होने से पहले ही सीधे हाथ पर हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है, जहाँ आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। सेना की देखरेख होने की वजह से कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह पालन किया गया है और आप देख सकते हैं किसी भी सामान को छूना यहाँ मना है। घंटियों को भी गेरुए रंग के कपड़े में लपेट कर रखा गया है। जबकि अभी 15 मिनट पहले जब हम गणेश टॉक पर गए थे तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ आप घंटी बजा सकते हैं। सेना के जवानों के द्वारा इस मंदिर की देखरेख का काम और आसपास की साफ सफाई का काम बखूबी निभाया जा रहा है। हर चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया गया है और काफ़ी सलीके से संभाल कर रखा गया है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती बढ़ती जा रही है, आप ये चारों तरफ देख भी सकते हैं। सिक्किम के लोगों के बीच यह हनुमान मंदिर काफ़ी फेमस है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगे जाने वाली हर मनोकामना जल्दी ही पूरी होती है। हनुमान टोक की ये जगह, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का वातावरण और यहाँ का ये भव्य मंदिर इतना खूबसूरत है दोस्तों कि यहाँ एक बार आने के बाद आपका मन बार बार यहाँ आने के लिए करेगा। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी लेवल से 7200 फीट की ऊंचाई पर बना यह मंदिर आध्यात्मिक दृष्टि के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, जिसमें प्रभु श्री राम, सीता माता और प्रभु श्री लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा पाऊंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के ठीक सामने हनुमान जी का मुख्य मंदिर स्थित है। मंदिर के अंदर हनुमान जी की एक भव्य प्रतिमा लगी हुई है, जिसके दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। अंदर फोटो लेना यहाँ भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको अंदर से तस्वीरें नहीं दिखा पाऊंगा। आप जब यहाँ आए तो अंदर आकर दर्शन कर सकते हैं। सी लेवल से गैंगटोक की हाइट 5400 फीट और हनुमान टोक की ऊंचाई 7200 फीट है। यह जगह गैंगटोक की सबसे ऊंची जगह में से एक है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला के काफी पास होने की वजह से हनुमान टोक से चीन की एक्टिविटीज पर नजर रखने में हमारी फोर्सेस को काफी हेल्प मिलती है, इसलिए ये जगह
सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह जगह नाथुला पास से करीब 40 किलोमीटर दूर है और इंडिया के लास्ट सिविलियन पॉइंट्स में से एक है। यहाँ का मौसम साल भर काफ़ी खुशगवार रहता है और अक्सर पल पल बदलता रहता है। कभी आपको काफ़ी कोहरा दिखाई देगा, कभी बादल छा जाएंगे और कभी आपको बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प व्यू दिखाई देगा। अगर आप लकी हैं तो आप हनुमान टॉक पहाड़ी की चोटी से माउंट कंचनजंगा स्तूपों और चौटेन के साथ एक शाही कब्रिस्तान, जहां सिक्किम के शाही सदस्यों का दाह संस्कार किया गया है, इन सब जगह को देख पाएंगे। अगर आप गंगटोक में कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां से कंचनजंगा का सबसे अच्छा व्यू देख सकें, तो डेफिनेटली ये जगह आपके लिए ही है। अगर आप भी कभी गंगटोक घूमने के लिए आते हैं तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करें। मंदिर के दर्शन करने के बाद पार्किंग में ही शू काउंटर के साथ एक छोटी सी कैंटीन है, जिसका संचालन सेना के जवानों के द्वारा किया जाता है। यहाँ आप चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स ले सकते हैं। यह कैंटीन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर काम करती है। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी सिक्किम सीरीज़ के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाना होगा। उस लिंक पर जाकर आप मेरे गंगटोक के लोकल टूर के तमाम डेस्टिनेशंस के वीडियो, ई सिक्किम के नाथुला पास, बाबा टेम्पल और चांगू लेक का वीडियो और नॉर्थ सिक्किम ट्रिप के 3 दिन के वीडियोज़ देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, गंगटोक और सिक्किम घूमने के लिए आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन से परमिट लेने होते हैं और वो किस तरह लिए जाएंगे, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, वो भी आपको उस प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में।